और गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र के सलगाडी गांव में युवक की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश महतो सलगाडी गांव पहुंचे और मृतक जय मुर्मू के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ तिसरी थाना प्रभारी लोकाय नैनपुर थाना प्रभारी भी साथ थे। एसडीपीओ ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि 17 सितम्बर को किसी वजह से ग्राम प्रधान ने उनके परिवार का गाँव से बहिष्कार कर दिया था और तब से उनका परिवार अलग रह रहा था। और इसी बीच 11 जनवरी को सोहराय पर्व पर गाँव के कुछ लोग उनके घर के पास नाचते गाते पहुंचे, जिसका जय मुर्मू ने विरोध किया और इसी से लोग नाराज हो गए और फिर लाठी डंडे से पीट कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इधर पैसों के अभाव में परिवार उसका इलाज नहीं करा पाए और इसी बीच शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस को पता चला, हमें भी पता चला, मैंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए और शव को अपने कब्जे में कर लिया। कल मैं भी आया था, तब तक थाने शव को ले जाया गया था। आज मैं फिर से पीड़ित परिवार के यहाँ आया हूँ। अब देख रहे हैं कि इनके पिताजी है यहाँ पे, इन्होंने सारा बयान दिया जिसमें टोटल 9 लोगों का नाम आया है। कल पुलिस को पता चला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।